बस अब जो है ना कलर का काम रह गया है, और आई थिंक ईद तक वो भी हो जाएगा। लेट्स सी, उसको कौन सा आता है पास्ता बना के अपने आप को बड़ा, वो तो रम खान समझ रहे। हाँ, पास्ता था के बच्चे बना लेते हैं। रोटी बनाओ ना। एक प्रॉब्लम हो गई है, हम लोगों ने जो शीट्स डाली थी वो पता नहीं कैसे जो है आपस में मिल गई हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। तो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, इस तबीयत है? तो मैं उठी थी अराउंड 12 बजे और नींद मैंने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ली। मुझे एक काम था, मुझे अपना चेक कैश करवाना था तो वो किया। उसके बाद दो दो चार चीज़ें और लेनी थी क्योंकि आज मैं आपको लज़ानिया बनाना सिखाऊंगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ, मैं कुछ इस तरीके की लग रही हूँ जीप सी। ठीक है, तो वी यूजली प्रे इन दिस काइंड ऑफ ड्रेस क्योंकि इससे पूरा आपका जो है ना मतलब सब आपका मतलब ढका हुआ होता है। सो यस, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैंने कल इस चीज़ को डिस्कवर किया। एक सेकेंड ना, अभी मेरा फेस ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अभी देख लो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि छक्का। अंडरस्टैंड कि लोग कैसे कैसे अपडेट्स बनाते हैं यार। मैं अपने आप को बच्चा भी कर सकती हूँ, देखो ये देखो क्या है यार, ये क्या है। सो मैंने अपना ड्रेस निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस है, ठीक है? मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी अभी, इसको मैंने प्रेस करना है एंड देन जो है मैं इसको पहनूंगी। अभी तक मेरा ये दाना जो है ना मतलब दाना चला गया लेकिन सिर्फ निशान रह गया, ये भी चला जाएगा। सो हम तैयार होते हैं, रेडी शेडी होते हैं एंड देन मैं आप लोगों को घर भी दिखाती हूँ। घर भी माशाल्लाह आधा रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट वेट, मुझे ना एक चीज़ पूछनी है लड़कों से कि मतलब आप लोग यूजुअली बोलते हो कि ना हमें मेकअप अच्छा नहीं लगता और लड़कियों को तो मतलब बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए और मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग बोलते हो, तो जब ऐसे कोई लड़का बोलता है, लाइक मेरा बंदा तो नहीं बोलता, ही जस्ट टेल मी के यू नो जो करना है करो अच्छे से, एंड ही समटाइम्स टेल मी के हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये वो, तो वो ठीक है चलो सही, लेकिन उससे कभी मुझे मना नहीं किया कि। लेकिन कुछ लड़के होते हैं बोलते मेकअप मत करो ये वो, लेकिन जब उनकी आप इंस्टा प्रोफाइल जाकर चेक करो तो उनकी फॉलोइंग लिस्ट में ज़्यादातर वो लड़कियां होती हैं जिन्होंने मतलब सर्जरियां करवाई होती हैं। मतलब आप पहले डिसाइड करो ना कि आपको चाहिए क्या, ऐसे डबल स्टैंडर्ड रखना अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, मैंने अभी ये सनब्लॉक लगाया है अच्छे से, अब हम जो है थोड़ा सा कलर करेक्टिंग करेंगे एंड देन हम मेकअप करेंगे थोड़ा सा और अपने आप को ठीक करेंगे। मैंने जो है हेयर कलर भी अपना ठीक करवाना है, आप लोग देख सकते हो ये इधर से जो है ना वो हो गया है, मतलब कलर ख़त्म हो गया, तो हेयर कलर भी करवाना है मैंने ईद से पहले। ड्रेस दिखाती हूँ, ग्लोबल विलेज से लिया था, ठीक है? सो ब्राउन कलर है, इसके साथ ट्राउज़र है या शलवार है मुझे नहीं, ट्राउज़र है, ट्राउज़र काइंड ऑफ अ शलवार है, ठीक है? और इसके साथ ये है, ये वाला वो है। सो ये हम रेडी होकर आते हैं थोड़ी देर, मतलब जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे खुद तो लगेंगे 15 मिनट लेकिन आप लोगों को देखने में सिर्फ अभी आई। मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए और जब मैंने लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे तो मुझे कुछ लड़कियों ने बोला था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से जो है रोज़ा टूट जाता है। सो जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम मिलकर इस चीज़ को गूगल करते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, डज ही लिखते हैं, डज कॉन्टैक्ट लेंसेज, अबे क्या लिख रही हूँ मैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज ब्रेक फास्ट, जहाँ तक ये लिखा है इसका मतलब तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम, अगर आप लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता है, हम इसको भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जायज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये हुई कि ये जायज़ है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना इज़ ओके। सो अगर आप लोग मेरी तरह हो, आप नहीं देख सकते हो, अंधे हो, तो आप लगा सकते हो, ये गूगल जब खुद बोल रहा है तो। बाकी अगर आप लोगों को और वो देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स वगैरह, वीडियोस वगैरह। सो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़, आँख आँख इज़ लाइक ये अंदर नहीं जा रहा ना, मतलब
समथिंग इज नॉट गोइंग इनसाइड योर बॉडी. समझ में आ रही है? मतलब इट्स नॉट गोइंग इनसाइड योर बॉडी. आई टेल यू समथिंग गाइज, इस्लाम इज वेरी ईजी. डोंट मेक इट खुद से कॉम्प्लिकेटेड. ओके, खुद से कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो कि ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड, ये नहीं. सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वो मतलब ये चीज होती है कि रोजे में कि आप जो है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा इबादत करो. दूसरी चीज ये कि आपने गुस्से पे कंट्रोल करो और दूसरों का दिल मत दुखाओ. वैसे तो ये नॉर्मली भी ये होता है कि आपको दूसरों का दिल नहीं दुखाना होता है, लेकिन इन चीजों में अपने आप को जो है ना वो मत किया करो कि ये ऐसे कर दिया ये. और किसी को भी जो है ना, अगर आप मतलब रोजे में रमदान में देख रहे हो कि वो हिजाब कर रहा है या फिर वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसको इस तरीके से जो है ना मतलब डिसहार्ट मत किया करो कि सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली. जाहिर सी बात है यार, मतलब इस अगर इस मंथ में भी लुक, हर किसी को अपनी कब्र में जाना है, ठीक है? तो किसी को इस तरीके से बोलना, इट्स नॉट गुड. आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, क्या पता वो आपकी कबूल ना हो, ठीक है? और वो बंदा जो है सिर्फ रमजान में ही इबादत करे तो वो कबूल हो जाए. तो किसी को भी ऐसे जज नहीं करते इबादत के ऊपर कि इसकी तो नहीं होगी, हमारी हो जाएगी. ऐसे किसी को भी मत किया करो. दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई बिलीव. सो ये चीज है. बाकी मेकअप कर आए यार, अच्छे से तैयार होकर आए. तो आप लोगों की हीरोइन हो गई है रेडी, ठीक है? मैंने बहुत सिंपल सा मेकअप किया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है? अब मैं आप लोगों को जाती हूँ और घर दिखाती हूँ जो बन गया है, और ड्रेस भी आप लोगों को दिखाती हूँ. सब इस तरीके का लग रहा है, लेकिन ये लूज हो गया है मुझको, देख सकते हो आप लोग, काफी लूज है. तो कोई नहीं, गुजारा करेंगे. अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब. सो इन 3, 2, 1 मैं अब आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना घर, ठीक है? जो बन गया है, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ा बहुत रह गया है बस. आई थिंक अब 20% वर्क है, देख सकते हो आप लोग. माशाल्लाह इन लोगों ने अब जो है डिफरेंट तरीके से बनाया है. वो ऐसे गोल वाली चीज़ ही बनाई है. आप लोग पहले बिफोर एंड आफ्टर अगर जाकर देखना चाहते हो तो मेरा व्लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो. ये सिर्फ इस तरफ से ही नहीं, इन लोगों ने पीछे से भी किया है, और अभी भी काम जो है ना, ये देख सकते हो आप लोग, चल रहा है. लेकिन इन लोगों ने काफ़ी फास्ट चीज़ें जो है ना कर दी हैं. ईद तक इंशाल्लाह हो जाएगा. ये आते सिर्फ फ्राइडे को नहीं आते, लेकिन बाकी डेज में आते हैं ये लोग. वहाँ से भी आप लोगों को जाकर दिखाती हूँ. मेरे को इस पर ये लोग जो है ना सारा काम करते हैं, ठीक है? इस पर ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, तीन कितने आई थिंक 6 लोग हैं. मैं आप लोगों को ऐसे जाकर उधर से भी दिखाती हूँ. ये मैं इस तरफ आ गई हूँ, ठीक है? अब इधर से निकलती हूँ. पतली हो गई यार मैं. देखो इधर से भी लोगों ने ये पूरा बनाया है, पूरा ये पूरा तोड़ा था और पूरा बनाया है. सबसे पहले लोगों ने यही वाला पार्ट बनाना स्टार्ट किया, इधर से ही करना स्टार्ट किया है. इधर ऊपर अभी मैं चढ़ नहीं सकती, और अभी उन लोगों ने हमें मना भी किया है, तो अभी चढ़ के नहीं दिखाऊंगी. बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी जब पूरा बन जाएगा इंशाल्लाह. देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. चनवी थी तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने कहा था कि ये वाली चीज़ का कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ बनेगी. तो ये वाली चीज़ उन लोगों ने नहीं बनाई है, बाकी हाँ उधर का बनाया उन्होंने. लुक एंड यू ऑल कैन सी, गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है. ये सारा जो मलबा है ना गाइस, ये बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो. मतलब बिफोर की मैं पिक्चर जो है ना उधर लगा दूंगी, इससे पहले क्लिप लगा दूंगी, तो ये देख लो, ठीक है? ये आफ्टर है उधर से भी, अल्हम्दुलिल्लाह. बस अब जो है ना कलर का काम रह गया है, और आई थिंक ईद तक वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. सो बस अब सिर्फ 20% काम रह गया है. सो ये चीज़ मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले बन जाए, क्योंकि होता है ना, तो मैंने पहले सोचा कि पहले बन जाए, हो जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अब मम्मा ने मुझे 3-4 काम बोले हैं, वो मैं कर लेती हूँ. तो क्योंकि हम लोग लज़ानिया बना रहे हैं, तो मॉम ने मुझे कहा था कि आपने जो है, तो मम्मी ने कहा था कि आपने कीमा निकाल के रख देना है. तो ये रहा कीमा, चिकन कीमा. सो हम ये निकाल के रख देते हैं. मॉम ने कहा था कि आपने इसको जो है किसी पतीली में पानी डालकर रखना है, ताकि ये जो है वो हो जाए ठंड, मतलब सही हो जाए. सो हम ये कर देते काम. तो ये मैंने इस तरीके से करके रख दिया है, ये जो है अब नरम हो जाएगा.
बाकी मॉम से पूछते हैं क्या क्या करना है। आई थिंक प्याज वगैरह काटनी होगी। ये जो लज़ाने की रेसिपी है भैया, ये जो है हमारी पर्सनल रेसिपी है, कोई रोस्ट वगैरह ना करिए। बहुत इजीएस्ट वे है लज़ाने बनाने का। बाकी मैं ये चीज़ें भी लेकर आई थी, आप लोगों को दिखा देती हूँ। रखो इधर, पता नहीं क्यों रोशनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना लज़ानिया बनेगा ही नहीं। ये लज़ानिया की शीट्स हैं, ये वाली बेस्ट होती हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये वाली बेस्ट होती हैं, अगर आप लोग यूएई में हो तो ये बेस्ट होती हैं। ठीक है, प्रमोशन नहीं करी लेकिन ये वाली बेस्ट होती हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे ममालिक में हो तो फिर मुझे नहीं पता। देख लेना, जो बड़ी होनी हो ना, थिक हो और बड़ी होनी चाहिए, छोटी वाली अच्छी नहीं होती। ये वाली अच्छी चीज़ें कट करने लगे, मैंने अपने बाल पीछे कर लिए ताकि जो है वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये लास्ट टाइम आयुष ने पहना था, अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है उसमें क्या बोलते थे, पिज़्ज़ा वाले ब्लॉग में आयुष ने पहना था, तो ये हम पहन रहे हैं। उसके बाद से ये किसी ने भी नहीं पहना है, ये मैं पहन रही हूँ। ओके, ये जो पीछे ये नॉट बंधी हुई है ना, ये भी उसी के टाइम की बंधी हुई है। मॉम ने हाथ ही नहीं लगाया इसको, मॉम भी लाइक ये आयुष का है। मुझे याद कर लिया है आयुष की तरह, तुझे याद कर लिया है आयुष की तरह। अरे देखो इसके अंदर से कैसे निकली, इसके अंदर दो थी, हमने कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पिक्चर ले लो पिक्चर। अब हम ये जो ये है इसको साफ करते फटाफट। सो गाइस, मैं ब्रेक लेकर आई हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो पहले नमाज पढ़ लेते उसके बाद कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि टाइम है थोड़ा सा है, लेकिन पहले नमाज। सो गाइस, यहाँ पे जो है हम पानी भर के रख रहे हैं। ठीक है, मैं नमाज पढ़ कर आ गई थी। ये जो मैंने रखा था ये अब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। ठीक है, तो हम एक चूल्हे पे ये उबलने के लिए रखेंगे लज़ानिया, और एक जगह पे हम उसका ये पेस्ट बनाएंगे। ये बहुत भारी है, मुझे एक हाथ से तो नहीं उठा सकती। जी अम्मी, तो इसके अंदर स्पैगेटी की शीट्स जाएंगी, तो इसके अंदर आप एक चम्मच नमक डालिए, और इसके अंदर ये ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो शीट्स है ना वो आपस में चिपक जाएंगी, तो ऑयल भी बहुत ज़रूरी है। एक तो थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा, हाँ उसी दिन की तरह बन रहा है। सही है, इतना काफ़ी। अब इसको बॉयल के लिए होने के लिए वेट करो, इसको बंद करके हाथ ही हाथ रखते जाओ। नहीं, अभी यूज होगा। तीन में आपने जो है ऑयल गरम करने के लिए रख देना है, और आपको चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मिर्च का पेस्ट है, ठीक है, और ये लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च का पेस्ट। ठीक है, तो आपने वन टेबल स्पून मामा, हाफ से भी कम लो, क्योंकि हमने कीमा बहुत कम लिया ना, ये इतना मैं आपको बता देती हूँ ना। सो इतना, ठीक है, फुल टेबल स्पून नहीं डालना है, इतना तीनों। ठीक है, चलो हो गए, ये तीन चले गए। अब इनको बंद करना है, और ये चीज़ डालनी है नहीं, वो कीमा डालना, पहले कीमा डालना है। ओके, पहले कीमा गाइस, पहले कीमा डलेगा, यही चीज़ डालोगे तो सिर्फ उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। अब हम कीमा डालेंगे इसके अंदर, इसके ऊपर ही रख देते हैं। ये देखो मेरा, बिस्मिल्लाह। अई ओ भैया, टूट मत, ये आ गया इसके अंदर। अब हम इसको, ये वाला चम्मच क्यों दिया है मॉम, ये वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझको। तो अच्छा, ओके गाइस, इसको आप तोड़ लें अच्छे से। अभी प्याज वगैरह नहीं डालनी है, हाँ बिल्कुल एंड में डालेंगे, अभी पहले हम कीमा बनाएंगे। साथ साथ आपने थोड़ी सी हल्दी भी इसके अंदर डालनी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कोई मसाला डालेगा, अभी बस ये भूना जाएगा, इसको भूनते हैं। भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पानी वगैरह खुश्क होगा, तो इसको जो है आप भूनो अच्छे से, जैसे भून सकते हो, जैसे मैं भून रही हूँ, उसके बाद ये मसाला आ जाएगा। ईजी है यार, बहुत ईजी, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। जब मैं बना सकती हूँ तो फिर तुम लोग भी बना सकते हो, सच्ची में। मेरे को तो कुकिंग का सीन ही आता,
मैं तो सोच रही हूँ बस आयुष को जो है शादी के बाद बेकिंग की जो चीज़ें होती है ना वही खिला खिला के वो करूँगी, लेकिन आई थिंक मुझे शादी के बाद आ जाएगा। लेट्स सी, उसको कौन सा आता है पास्ता बना के अपने आप को बड़ा वो तुर्रम खान समझ रहे हैं। पास्ता था के बच्चे बना लेते, रोटी बनाओ ना, सालन बनाओ, बिरयानी बनाओ। मैं जब गई थी तो मैं तो पुलाव बनाया था, बढ़ाया। देखो गाइस अब ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे ही करना है अच्छे से आप लोगों ने। ओके गाइस, तो अब हम ये जो हमने कट किया था ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमने एक वो चिकन क्यूब ऐड किया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब हम ये इसके अंदर डाल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके गया ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये जो क्यूब डाल है ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोग भी डालो। ओके क्या डालना है हम? ये मिर्च कितने मामा? इतनी डाल दूँ? हाँ इतनी ज़्यादा? ओके हाँ ठीक है डाल दी। अब गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, कितना इतना? ओके ये गरम मसाला गया। ओके ये काली मिर्च ही ये गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हम लोगों ने विंडो बंद कर दिए क्योंकि हवा आ रही है। नमक नहीं, नमक सिर्फ हमने इसमें डाला है, इसमें ये शीट्स वाले में। मॉम इसमें नमक नहीं डाला है, ठीक है नमक डाल दिया हम लोगों ने। अब इसको मिक्स कीजिए अच्छे से। कीमा पक रहा है और अब मैं जा रही हूँ थ्री स्विच लेने के लिए, थ्री प्लग लेने के लिए, क्योंकि हमने जो है ये माइक्रोवेव को ऑन करके अभी से ही रखना है ताकि ये गर्म हो जाए, और हम अब आकर वाइट सॉस बनाएंगे जो उसके ऊपर लेयर्स पे लगता है। सो वेट, अभी अंदर जाते हैं। गाइस हम ये सॉस लेकर आए थे, ये हमने यूज़ नहीं किया है कभी, हम अपना होममेड वाला सॉस ही इस्तेमाल करेंगे अब आज भी। हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि इसमें पता नहीं वैसा टेस्ट आए कि नहीं आए, ये हम जो है ना कभी किसी पास्ता वगैरह में यूज़ कर लेंगे, तो हम आपको खुद से खाएंगे। बाकी ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये बन चुका है, ये चिकन देखो ये इस तरीके से बन चुका है। जब इस तरीके से इसका रंग चेंज हो जाए और सारी चीज़ें मिल जाए ना, इसका मतलब है कि ये कीमा बन गया है। ठीक है इस तरीके से ये फिलिंग रेडी हो गई है लज़ानिया की, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं और इसका हाल देखते हैं क्या हुआ है। भैया कितना हुई हुई कुछ नहीं, अभी तक बॉईल नहीं आया इस पे, तो इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं, अभी बॉईल का वेट करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोगों ने माइक्रोवेव भी अवन गर्म करने के लिए रख दिया है अच्छे से, और साथ साथ सारी चीज़ें भी हो रही हैं हमारी, और टाइम अभी कितना हो रहा है अभी, तो मतलब एक घंटा बाकी है, तो हो जाएगा अच्छे से, अच्छे से हो जाएगा। अभी हम जो है वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मोम? दूध और ओके सो ये वाला दूध चलिए दूध लेते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी ठीक है, ये ऑयल है, ये मैदा है, ये क्या है मोम? ओरिगानो, और ये अजीनोमोटो। अजीनोमोटो क्या है ये? हाँ रोज पता नहीं कौन सी मैरी। सबसे पहले इसके अंदर आप डालिए ऑयल मोम, देखिएगा ठीक है ओके ओके। अब इसको गर्म करना है, गर्म होने के लिए रखो पहले वो बंद करो। ओके अच्छे से बंद करना, ऑयल बंद कर दिया ठीक है। अब ये 4 teaspoon था मैदा, ये मैदा हाँ स्पून ये हाँ, वाला यूज कर लो हाँ ये ओके 1 इसमें हाँ ओके 1 मैं भी सॉस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे पता नहीं 2 3 और ये आ गया 4। अब क्या करना है अच्छा इसको साथ मिक्स भी करना है हमने। हाँ। गाइस मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को सॉस बनाना ठीक है, देख लो कैसे बनता है। ये शीट्स कुछ इस तरीके की लगती हैं और ये देखो बॉईल हो गया है पानी, अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो हम एक एक करके ही डालते हैं। ये शीट्स कुछ इस तरीके की होती है, हम लोगों ने मैदे में ऑयल और वो करके वो किया था, ये कुछ इस तरीके का है। अब हमने इसको एक बाउल में ले लिया है, अब हम इसमें क्या बोलते हैं इसे दूध मिलाएंगे। मम्मी कितना देखिए
बस इसमें दूध डालो इसके अंदर। हाँ इसके अंदर भी दूध डलेगा। मॉम कितना? पक पक के पागल हो रहा है ये, तो पता नहीं इसको क्या हो गया, पानी बाहर आ रहा है इसका। हम इसको जो दूसरा बाल है इसको जो है मिक्स कर रहे हैं फिलहाल, मतलब इसको मिक्स कर रहे हैं। दीदी सही नहीं रखी उसकी, ये हिल रहा है पागलों की तरह। तो मॉम इसको सही करेंगे। अब नहीं हिल रही। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को लज़ानिया बनाना सिखाऊंगी, फाइनली मैं सिखा रही हूँ। तो आई होप आप लोग सब सीखें और इसे बनाएं, और मुझे जो है डीएम में पिक्चर्स भी भेजना जब बनाओ तो, इफ्तारी में या सहरी में या कभी भी, ठीक है? तो यस, अच्छे से उबाल आ गया। और ये जो ये है ना हमारा, वो मतलब ये ना चिपक गई है पता नहीं क्यों। अब हमने इसमें क्या डालना है, ये ओरिगानो, ओरिगानो थोड़ा सा और, ठीक है, रोजमेरी, ठीक है, और ये ना साथ साथ आपको मतलब इसको मिलाना है, वरना ये नीचे जो है ना गुठलियाँ बन जाएंगी, तो सॉस सॉस नहीं कुछ और ही बन जाएगा। और साथ फिर आपने इसके नमक, और ये जब आप ये चीज़ें डालोगे ना, जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, रोजमेरी और ये ओरिगानो, इससे वो सॉस की खुशबू और वो टेस्ट आएगा। पेस्ट जो हमने बना के रखा है ये वो पेस्ट है जो शुरू में हम लोगों ने वो उससे बनाया था। ओके, इसके ऊपर नहीं लाना चम्मच। ओके 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 ओके, चलाती जाओ, रोकना नहीं नीचे। ओके ओके, इससे ना इससे आपका जो पेस्ट है ना वो थिक होगा गाइस, क्योंकि वो मैदा है ना इसलिए। तो ये सिंपल जाएगा, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है, हाँ थिक हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से थिक हो गई है, ठीक है। अब आपने जो है ना लास्ट इसमें चीज़ डालनी है, करेला चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी होगी। सारी डालूँ? मेरे पास जो है लज़ानिया के पैन्स नहीं होते, तो हम जिसमें पिज्ज़ा बनाते हैं उस वाले पैन्स यूज़ करेंगे। इसको पहले अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ठीक है, हम ऑयल से ही करेंगे। हाँ मेरे पास, हाँ ज़रूरी नहीं, आप किसी में भी बना लो, हम इसमें ही बनाएंगे। अब इसको पहले ऑयल से, आप ऑयल नीचे लगाना ज़रूरी है ताकि चिपके नहीं, तो ऑयल पहले नीचे अच्छे से लगा लो और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। एक प्रॉब्लम हो गई है, हम लोगों ने जो शीट्स डाली थी वो पता नहीं कैसे जो है आपस में मिल गई हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। तो मुझे जो है फटाफट जाकर वो शीट्स पकड़नी होंगी, तो आई नीड टू, सिर्फ आधा घंटा रह गया पता है इफ्तारी में, और इतना बड़ा ये ड्रामा भी यहाँ पर हो गया है। कोई नहीं, चलो कोई नहीं। सो गाइस ये फटाफट मैंने उठा लिया है लज़ानिया का, आई नीड टू बी क्विक, लेकर आई हूँ, मम्मी बना रही है। जब तक ये जो है ना हम इसको ठीक करके रखते हैं, सबसे पहले ये एक शीट आएगी नीचे, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने जो है ना सारी चीज़ें डालनी है, पहले जो है ये जो आपने कीमा बनाया था उसकी लेयर आएगी, अच्छे से करना है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब चारों तरफ जो है ना फैला लेना इसको, हाथ 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 से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने ये सॉस लेना है, ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से आपने करना है, मतलब अच्छे से हर साइड पे और ये वो होना चाहिए, और साइड्स पे लगाने का भी आप वो नहीं है, जब आप नेक्स्ट वाली शीट लगाओगे ना तो आप उससे उसको प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये एक शीट कर ली, इसके ऊपर चीज़ भी डलेगी ना, हाँ ये चीज़ भी, चीज़ डलेगी देखो इस तरीके से। बस ये जो मैंने अभी किया ना, यही आप लोगों ने पूरा जो है सेम कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। और फिर ये एक और शीट आ गई, और इसको आपने जो है ऐसे करके प्रेस कर देना है, एक बार करके ऐसे करके प्रेस कर देना है, कोई बात नहीं, ऐसे करके प्रेस कर देना है। बस आपने अब यही चीज़ जो है ना सब पूरे पे ऐसे ही करना है। गाइस ये वाली है जो वेस्ट हो गई बेचारी, ये पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, ये सारी देखो एक साथ चिपक गई और सख्त हो गई, पता नहीं मतलब सारी एक साथ चिपक गई हैं और सख्त हो गई हैं, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है। बहुत पे वन बाय वन डालनी थी ना, ये देखो अब इस तरीके से कर रहे हैं, ये देखो हो रहा है, लेकिन इफ्तारी से पहले नहीं हो पाएगा। इफ्तारी के लिए हमारे पास देखते हैं क्या क्या है, हमारे पास वो है फ्रूट्स हैं,
और आई थिंक हाँ फ्रूट्स है फिलहाल फ्रूट्स है क्योंकि मेन चीज़ यही थी, तो आज आई थिंक इफ्तारी के बाद ही हम खाएंगे। कोई नहीं, होता है कभी कभी होता है, कोई नहीं। इफ्तारी में अभी सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाए क्योंकि हम लेट हो गए, तो अभी ये जो है हम इसको कर रहे हैं, वो वाला मामा कर रही है और ये वाला मैं कर रही हूँ। तो इसके बाद हम जो ये ओवन में डालेंगे, और अब्दुल वासिर भी बेचारा इधर से उधर घूम रहा है, दिखाओ इसको, देखो बेचारा भाग गया भाग गया, इसको लग रहा था जैसे बन गया होगा। इसमें भी इधर ही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाय गाइस, अब हमें जो है आधा घंटा जो है वेट करना होगा, उसके बाद ये बन जाएगा, फिर हम खाएंगे इसे आराम से। बस अगर वो चीज ना होती ना, क्या हो गई, अच्छी बात है, उस एक चीज की वजह से अब तुम्हें पूरी जिंदगी का लेसन मिल गया। सही बात है, गलतियों से ही सीखता है बंदा। तो ये लेयरिंग कैसे कर रही हो, तो बताओ, मैंने इनको बता दिया। तरीके का लग रहा है अभी, ठीक है। इसकी लेयर्स आप लोग देख सकते हो अच्छे से, देख लो अच्छे से, ये मैंने कर दिए, ठीक है। अब ये जाएगा ओवन में, ये ओवन हमने जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। ओवन हम खोल देते हैं पहले, इसको ऊपर करते, मम्मी वाला भी हो गया ऑलरेडी, तो जब तक अब हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे ये हो जाएगा। सो ये चला गया अंदर, और अब हम इसको रख देते हैं। तो गाइस, मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली, अब इसके बाद जो है मतलब अगर आपने कुरान पाक पढ़ना है तो कुरान पाक पढ़ लें, वरना सुभान अल्लाह अभी हम थी कि तस्बीह कर लें और अपना काम कंटिन्यू करें। ये वाली तस्बीह काफ़ी अच्छी होती है, तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये बन चुका है, ओए होए, अब हम इसको खा लेंगे। आई एक्साइटेड मम्मी, ओ गरम है, बहुत गरम है यार, नहीं लगाया मैं तो ऐसी आवाजें, गधा बन गई क्या? चलो लेट आया, दोनों साथ। यस लेट आयो, कड़क आयो है? हाँ, ऐसे कुछ है, खुठुलो आयो, पता नहीं क्या आयो, पता नहीं क्या आयो, कसम से ऐसा कुछ है, कुछ तो बोल दे। ओह, सो गाइस अब हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कैसा बना है। इस्मा ने तो बोला है कि बहुत अच्छा बना है, मुझे भी पता है कि बहुत अच्छा बना होगा। ये लेयर्स देखो आप लोग, बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप लोग भी ट्राई करो तो मुझे ज़रूर बताना, बहुत इजी है, बस जो मुझसे थोड़ा सा ब्लंडर हुआ, आप लोग वो मत करना, बाकी तो ऑसम। ये देखो कितनी ऑसम लेयर्स हैं, एंड देन ये देखो जब आप इसको कट करोगे तो इसकी एक एक उसमें जो है ना मस्त वो फीलिंग हुई भी सब हुआ मेरे। गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आई सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। इट्स डेडिकेटेड फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। ओके गाइज, सो प्लीज वेट फॉर इट, आई सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। और जल्दी जल्दी 700 के करो यार, जल्दी करो, 7 लाख, फिर 8-9, और याद है ना फिर हमने 1 मिलियन पे शादी करनी है, तो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी हरिया, अब छुटो 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 छुटो। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, बाय बाय।